नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के आखिरी आमान परिवर्तन परियोजना देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच में जिसका कार्य चल रहा है। नाथद्वारा से लगा के मारवाड़ जंक्शन तक यह कार्य होना था, लेकिन मारवाड़ से देवगढ़ के बीच में वर्तमान में जो सेक्शन है उसको वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण वहाँ का कार्य नहीं हो रहा है। इसके साथ में वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी सेक्शन के कांकरौली स्टेशन से यह कार्य की अपडेट, जिसमें कि आपको जो हमारा बावन कोटा ब्रिज है इसके साथ साथ कांकरौली स्टेशन पर चल रहे विभिन्न आमान परिवर्तन कार्यों का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कार्य की। लंबे समय से इसकी अपडेट हम हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कांकरौली स्टेशन के पास में जो स्टाफ क्वार्टर है और सर्विस बिल्डिंग आदि का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही प्लेटफार्मों का भी यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के साथ साथ जनता के आवागमन के लिए अंडरब्रिज भी जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं। मोही रोड से बावन कोटा के बीच में कुल 11 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 नदियों पर, 1 नहर पर और बाकी के रोड अंडर ब्रिज है, जिसके नीचे से सड़क का संचालन किया जाएगा। लेवल क्रॉसिंग इस सेक्शन में नहीं रहेंगे। इसी को देखते हुए जनता के निर्बाध आवागमन हेतु अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं और यहां का कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। बरसात में कुछ गति इसकी प्रभावित हुई थी, लेकिन अब फिर से कार्य में लय देखने को मिल रही है। जगह जगह पर इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन के कार्य आप पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं। हालांकि अभी भी हमारा जो आमेट स्टेशन है, चारभुजा रोड और देवगढ़, इस सेक्शन पर कार्य की गति फिलहाल में नहीं दिख रही है। वहां पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वहां का भी कार्य जल्दी ही गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये हमारे कांकरौली स्टेशन का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉडगेज का 2 प्लेटफार्म वाला स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें कि करीब 600 मीटर के आसपास प्लेटफार्म की लंबाई होगी। 2 लूप लाइन और 1 मेन लाइन इसमें स्थित होगी और इसका काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन बनाकर हमारे दिव्यांशु जी ने दिया है, जिसकी व्याख्या हम वीडियो के अंत में करेंगे। बहरहाल, स्टेशन पर प्लेटफार्मों के साथ साथ जो ब्रिज है उसका भी कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। प्लेटफार्मों का कार्य तो यहाँ पर चल रहा है, साथ ही स्टेशन बिल्डिंग और दूसरे सिविल कार्य भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रमुखता से अंडर ब्रिज वगैरह ज़्यादा यहाँ पर चल रहे हैं। और इस कार्य के लिए बजट की बात करें तो 75 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे फरवरी महीने में, जिसको कि बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए मुख्य बजट में कर दिया गया, यानी कि 150 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इस पूरे कार्य में की गई है और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम भविष्य में मिलेगा। हालांकि इसकी जो डेडलाइन है 2026-27 के आसपास की तय की गई है और तब तक यह कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसी दिशा में कार्य काफ़ी अच्छा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गोमती नदी का ब्रिज का नज़ारा है और जल्दी यहाँ पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसी के पास में एक और अंडर ब्रिज का भी निर्माण कार्य हाल ही में शुरू किया गया है और यहाँ पर भी जल्दी ही आकार लेते हुए यह ब्रिज दिखाई देने लगेगा। अभी शुरुआती स्टेज में यह कार्य चल रहा है। जो अंडर ब्रिज है वह जनता के आवागमन के साथ साथ जो खेतों के लिए किसान अपने विभिन्न कृषि साधनों के साथ आवागमन करेंगे उनकी सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उनकी ज़मीनें ट्रैक के दोनों तरफ स्थित है। इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा कुछ सीमित दूरी के क्षेत्र में अंडर ब्रिजों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमें मित्रों के कुछ कमेंट भी प्राप्त होते हैं कि कांकरौली स्टेशन का नाम बदलकर राजसमंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यही क्षेत्र की मुख्य पहचान है। तो इस बारे में रेलवे प्रशासन को विचार करना चाहिए, साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस हेतु पहल करना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं AMD अंडर ब्रिज का नज़ारा। यहाँ पर पूर्व में लेवल क्रॉसिंग संचालित होता था, साथ ही आप देख रहे हैं कांकरौली स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग और प्लेटफार्म का नज़ारा। बरसात का सीजन पूरी तरह से एंड होने के पश्चात में कार्य में और तेज़ी हमें विभिन्न साइट्स पर देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम आपको और भी अपडेट्स दिखाते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं बावन कोटा, महत्वपूर्ण रेलवे ब्रिज है। यह बनास नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि राजसमंद जिले में आता है। बेजनाल और कांकरौली स्टेशन के बीच में यह पड़ता है, जिस पर कि ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वह लगभग तैयार हो चुका है तथा अब इसका जो फाइनलाइजेशन का कार्य है वह किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी के द्वारा दूरदर्शिता दिखाते हुए यह जो
कार्य है बावन कोटा ब्रिज का, यह शुरू कर दिया गया था पिछले वर्ष और अब जाकर यह अपने अंतिम दौर में चल रहा है तथा इस पर आप देख सकते हैं सारे जो गर्डर हैं कुछ को छोड़कर रख दी गई हैं और उनको फाइनलाइजेशन करने का कार्य यहां पर किया जा रहा है और साथ ही इसके ऊपर एक पाथवे भी बनाया जा रहा है। किसी कारणवश इस पर से जनता यदि आगमन करती है तो उनको साइड में चलने के लिए एक पाथवे यहां पर निर्माण हो रहा है। वहीं दोनों तरफ रेलिंग के लिए कंक्रीट की दीवार का निर्माण किया जाएगा तथा जो हमारा पुराना ब्रिज है उसको भी डिसमेंटल करने का कार्य चल रहा है। मीटर गेज का ब्रिज वह अनुपयोगी हो चुका है और आप यहां पर देख रहे हैं कि उसके नट बोल्ट ढीले करने का गैस कटर से काम चल रहा है और जल्दी इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं काकरौली स्टेशन के स्टेशन प्लान के बारे में। तो यह हमारा जो मावली एंड है इसकी तरफ एक नहर का अंडरब्रिज बनाया गया है, साथ ही एक रेलवे क्रॉसिंग जो था वहाँ पर अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। उसके पास में ही स्टाफ क्वार्टर आदि का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही पानी की टंकी का भी यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। दो प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं 580 मीटर जिनकी लंबाई रहेगी तथा साथ ही 10 मीटर इस पर चौड़ाई रहने की उम्मीद। इस पर की विभिन्न यात्री सेवाओं का उन्नयन, शेड, पानी पीने की व्यवस्था, मूत्रालय आदि की व्यवस्था आदि का काम प्लेटफार्म के निर्माण के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही स्टेशन बिल्डिंग का भी जो कार्य चल रहा है उसमें सभी तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट के साथ साथ वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है लगभग 90 मीटर लंबाई चौड़ाई का। इसमें ही स्टेशन के पैनल और विभागीय कार्यालय रूम होंगे, स्टोरेज ऑफिस और सोलर और जनरेटर यान भी, जनरेटर कक्ष भी इसमें ही बनाया जाएगा। साथ ही जो हमारे स्टेशन पर दो लूप लाइन के साथ में एक मेन लाइन निर्माण होगा, वहीं 400 मीटर टावर वेगन साइडिंग भी बनेगी और 300 मीटर जो टीटीएम मशीनें रहती हैं उसकी साइडिंग बनेगी। यहां पर तलेड़ी नदी का ब्रिज भी पास में निर्माण किया जा रहा है। वहीं जो एमडी अंडर ब्रिज है उसका भी निर्माण कार्य इसी के साथ में किया जा रहा है। वहीं वीरभान जी का खेड़ा रोड को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले रेलवे गेट पर भी अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इन अंडर ब्रिजों का निर्माण कार्य ऐसी तकनीक से किया जाना चाहिए जिससे कि इनमें बरसात का पानी भरने की अव्यवस्था ना देखने को मिले, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2025 में इसका एक बड़ा कार्य जो है हमारा कांकरौली तक का पूरा किया जा सकता है और उस स्थिति में विद्युतीकरण कार्यों की भी शुरुआत अब नाथद्वारा की तरफ से कांकरौली की ओर की जानी चाहिए। हालांकि इसके बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे को सोचना चाहिए, साथ ही विद्युतीकरण कार्यों की प्रक्रिया और ट्रैक्शन सब स्टेशन आदि के लिए विचार बनाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी हमारे कांकरौली स्टेशन राजसमंद से महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। हमारे विभिन्न सहयोगियों का हम आप सभी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं जिनकी यह महत्वपूर्ण अपडेट के कारण आप सभी को जो कार्य की प्रगति है वह देखने को मिलती है और भी अपडेट हम समय आने पर आप सभी के साथ में साझा करेंगे। यह अपडेट आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।